प्यार हमें कभी भी, किसी से भी और किसी भी वक्त हो सकता है, ये साक्षी है। और मैं ये जिस बस में गांव से शहर पढ़ने आती है उसी बस का एक कंडक्टर। मैं इसे पिछले 1 साल से रोज देखता आ रहा हूं। और मैं इसे पसंद करता हूं, इससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं इसे बोलने की, मुझे डर लगता है। कि मुझे रिजेक्ट ना कर दे। बस रोज इसे खड़े होके देखता रहता हूं। इसके पास जाना चाहता हूं, इससे बातें करना चाहता हूं, इसके बारे में पूछना चाहता हूं, इसके साथ रहना चाहता हूं हमेशा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। तुझ में बसी है मेरी जान, आए जिया धड़क धड़क जाए। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। आए जिया धड़क धड़क
जाए। आज रिजल्ट आया इसका, इसी बहाने इससे बात कर लूं, क्या पता ये भी बात कर ले मुझसे। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। लगता है ये क्यों मुझे, चार पांच बार तुमसे हंसकर बात क्या कर ली, तुम जैसे प्यार समझ बैठे। एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम जैसे किसी अनपढ़ लड़के से प्यार नहीं कर सकती, और तुम तो वैसे भी एक मामूली बस कंडक्टर हो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की, क्योंकि मैं बचपन से हर क्लास टॉप करती रही। और तुम, हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं आज तुम्हें बोलने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें कांग्रेस बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया है। तुम्हें इसका फुल फॉर्म भी पता है? आनंद बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़ों के हिसाब से जज नहीं कर रहा। मेरा एक सपना है कि मेरा हस्बैंड मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए सॉरी। कांग्रेस यार, तुम तो यूपीएससी का एग्जाम टॉप कर लिया, पार्टी कब दे रही है? यार मुझे तो फर्स्ट आना था, लेकिन मैं सेकंड आई हूँ, इसका मतलब मुझसे भी ज्यादा कोई टैलेंटेड है। कोई बात नहीं यार, कल वैसे भी न्यूज़पेपर में फोटो आ जाएगी, तू देख लेना सबसे कौन ज्यादा टैलेंटेड है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो कल देखेंगे। उसकी फ्रेंड ने बताया कि जिस लड़के ने टॉप किया उसके बारे में आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में। उसके पास बस का किराया नहीं होता था, इसलिए उसने बस कंडक्टर की जॉब की ताकि वो अपना किराया भर सके और अपनी पढ़ाई कर सके अच्छे से। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इसे एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि इसने मुझे मेरे कपड़ों के हिसाब से जज नहीं किया। बस इसका एक छोटा सा सपना था कि इसका हस्बैंड इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये हर किसी का सपना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर उससे अच्छा हो। अनपढ़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर अनपढ़ रह जाना ये गलत बात है। अगर आप लोगों को मौका मिलता है पढ़ने का तो आप जरूर पढ़ें।
तो बस अपने काम पे फोकस करें और उस काम को पूरा करने में लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।